ब्रांड। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे बेवफा दोस्त पाकिस्तान के सारे कप्तान राशिद लतीफ कल हमें बाहर करके मोहम्मद वसीम के साथ इन, कैसे आखिरी प्रोग्राम है इनका। पूरा मैं और वसीम ने प्रोग्राम बना लिया है कि हमें आईपीएल कैसे करना है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज कैसी करनी है। जहाँ वसीम आता है वहाँ पे एक ना एक तो गिरता है। मैं होस्ट बनने गया था लेकिन होस्ट वो बन गया फिर। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वसीम बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई थी, डेढ़ माह वो लाहौर में रहा। जी जी, दाता साहब की तरफ जो हरकतें करते रहे वो भी आप भी समझ गए। मैं भी समझ गया। एनीवेज राशिद, आज का जो प्रोग्राम है, लेट्स डिस्कस द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पहले हाल तो देख लें, प्रेजेंट को पहले सही कर लें। हाल बड़ा बेहाल है यार। ये हमारे जो एमडी साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या हो गया अब? अच्छा, वो घबराते भी हैं। कराची में मैंने उनको हाथ आगे बढ़ाया, वो डर के उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। क्यों? मेरा ख्याल है वो आपने मुझे विलन जो बनाया। नहीं नहीं, एनीवेज क्विकली, एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो आएंगे। यू डोंट गिव सच स्टेटमेंट्स। यस, श्रीलंका आएंगे। नहीं, वो असल में मुश्किल काम है, जो पाकिस्तान में नहीं रहता उसको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से बात करनी है। इवन अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, अफगानिस्तान भी नहीं आएगा। बांग्लादेश आगे चला कर चुके हैं, रिफ्यूज़ कर चुके हैं, तो आप कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन बहुत है उनके पास, ऑप्शन बहुत हैं। और अभी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए। हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है, वो हाई कमान गवर्नमेंट लेवल पे, अगर पीएम टू पीएम बात करें न्यूजीलैंड से, वो चांस है इस वक्त। वो एक बात कर लें कि फ्यूचर में जब भी उनके पास विंडो खाली हो पाकिस्तान और उनकी, उनका पाकिस्तान में होम सीरीज हो सकती है, क्योंकि उनको भी जरूरत पड़ने वाली है पाकिस्तान की। एब्सोल्युटली जी, बड़ी आला आपने बात। दूर अंदेशी भी है, दूर भी है। एनीवेज, दरवेश जो होता है दूर अंदेश होता है। दरवेश ना बनिएगा, लाहौर कलंदर, कलंदर बना था। नहीं, कलंदर यार वो बहुत भारी नाम है। कलंदर, कलंदर मैंने कहा था, इंडिया में पानीपत में एक है, एक राबिया बसरी है बसरा में, एक सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर, ढाई कलंदर हो गए। तो लाहौर कलंदर के लिए कलंदर बहुत, लाहौर बादशाह ठीक है, लाहौर लेपर्ड ठीक है, लाहौर बादशाह ठीक नहीं था, बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी हो गई। अच्छा, एनीवे मैं मोइन भाई का नाम नहीं लेना चाहता, नाराज हो जाएंगे जी भाई। एनीवेज, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की मैंने इस तरह बात करनी थी। एक तो हमें टेस्ट मैच क्रिकेट में हाल से मुत्तफिक हैं आप? नहीं हूँ ना। फिर चले आप करें, करें मैं मजाक कर, आप कर लें यार। अच्छा, शान मसूद हमें नजर आया कि टेस्ट मैचेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी इन साउथ अफ्रीका। जी, बैकग्राउंड अच्छी है, तगड़ा है, अभी टीम में सिलेक्ट हुआ है, वनडे में भी परफॉर्मेंस भी दी है। अब पर्ची वाला टैग साइड पे रखा है, बेटे वाला टैग, और अब ऑब्वियसली हैज इवॉल्वड एज ए कंपेटिटिव प्लेयर। बाबर आजम, थैंक्स टू मिकी आर्थर, शुक्र है एक मिकी भाई ने काम किया। प्लेयर अच्छा है वो तो। नहीं, मिकी भाई ने एक काम किया कि टेस्ट मैच प्लेयर बना दिया उसे, वाइट बॉल का तो वो प्लेयर ही था। तो मिकी भाई का एक ही कंट्रीब्यूशन लग रहा है मुझे, क्योंकि शादाब खान तो उनके मायार के मुताबिक फिटनेस नहीं रख पाए, अभी नहीं रख पाएगा। देन थर्ड आप देखें तो जो है ये शाहीन शाह अफरीदी, अगर तो ये मुझे इंजरी प्रोन लग रहे हैं और काफी गड़बड़ लग रही है, लेकिन अगर ये इनको सस्टेन किया गया तो पोटेंशियल ऑब्वियसली उन्होंने शो कर दिया, ठीक हो गया। शादाब अगेन, एटीट्यूड एंड इंजरी, एटीट्यूड भी यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि खलल आ रहा है, वो खलल नहीं होना चाहिए। चलें देखते हैं, आगे देखते हैं उनको। ये चार हो गए आपके, ये आपका फ्यूचर हो गया। हारिस सुहेल साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल पाएंगे, गोडा खराब हो जाएगा, बाकी दुनिया में खेल लेंगे। फिट रहे बस वो, बोले ना, मैं आपने समझ नहीं, फिट रहे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, बाकी फिट हो जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू जो अब आपका सब्जेक्ट है, एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बॉलर पिक किया था जिसने खेलना था, और जो इंजर्ड हो गया वो नसीम शाह, जी जी, पाकिस्तान अंडर 19 का, और फिर हसनैन को लिया इन्होंने एज हिज रिप्लेसमेंट, जी, और दो गेंदें करके 150 प्लस इज इन द पाकिस्तान टीम। तो नसीम शाह तो अपने आप को मातम कर रहा होगा। नहीं, जरूरी नहीं, और भी जो वर्ल्ड कप खेले थे जाके नसीम शाह था, और एक और फास्ट बॉलर नाम भूल रहा हूँ मैं, वो बड़ा अच्छा था, इलियास भी खेला बीच में, लेकिन हसनैन आया और अलग ही नज़र आया ना। अच्छा, उन वो हाइट से उसका बड़ा फ़र्क है, उसका जो मतलब के पेस है इनसे ज़्यादा है। आपने बिल्कुल सही बात की, और उसमें एक और चीज़ भी है कि अगर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया जाए उसके एक्शन, देखें हसनैन उसका अपर टॉर्सो तगड़ा है, हसनैन का ये देखा जाए ना कि सब खेल रहे थे,
पहले गुलाम मुदस्सिर खेले क्वेटा के लिए और साथ में इरफान खेल रहे थे, और मूसा इस्लामाबाद से खेले और इलियास मुल्तान से खेल रहे थे। तो ये देखें कि वो आया है मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट और छा गया, और हमने नहीं बोला, वहाँ के कमेंटेटर तो नहीं जानते थे इसको, या आम पब्लिक तो नहीं जानती थी, ये पब्लिक की डिमांड थी। और जिस तरह से बॉलिंग की है उन्होंने, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच होना कोई और एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे हसनैन की लगी, लेकिन एक नेगेटिविटी है नॉट एज ए क्रिकेटर बट फिटनेस में, कि हसनैन ने जो जिसना शॉर्ट ऑफ लेंथ रखा और जिसना बॉलिंग की है इमाम को, वो इसका मतलब है प्लान भी एग्जीक्यूट अच्छा कर पाता, नॉट ओनली ही इज क्विक, दिमाग भी है। वो जो इसके स्ट्राइड है ना, स्ट्राइड बहुत लंबी है इसकी, जो हाइट है 6 फीट होगा, 6'2" होगा, उससे ज़्यादा इसकी स्ट्राइड है। तो इसका मतलब है जो लेंथ है इसकी पीछे ही होगी, इसको डेवलप करनी पड़ेगी पुरानी बॉल से आगे की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पीछे इतना सक्सेसफुल शायद ना हो सकता है कि उनके लिहाज से ज़्यादा तेज़ भी जाए, अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन वो पीछे की बॉल को और शॉर्ट ऑफ लेंथ को अच्छा खेलते हैं। हॉरिजॉन्टल बैट राइट उनका तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस ही जी जी। अच्छा, दूसरा हसनैन का ये कि अपर टॉर्सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शोल्डर्स और बेस इसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अगर आप देखें विप देता है कमर पे, नहीं बेस लोअर बैक उड़ जाएगी। बेस तो स्ट्रॉन्ग है इसकी, लेकिन एक्शन थोड़ा सा उसको बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगर स्ट्राइड लंबी हो जाएगी तो आपका लोड आपके लोअर बैक पे आना ही आना है। आप शोल्डर बॉलर हैं तकरीबन बाहर से बहुत, कल मैंने दिखाया भी था तो उसका जो एंगल 90 डिग्री का होता है, आया तो आपने उधर दिखा दिया, हमें दिखा नहीं। देखो मैं बैठा हूँ, मैं कहीं पे भी बात कर सकता हूँ, आप लोगों को इश्यू प्रॉब्लम रह जाएगी कि मैं बात कर सकता हूँ। जिसको इंजरी नहीं होती वो मोस्टली 90 डिग्री की पे होती है, क्योंकि लेफ्ट फुट से अगर आप लाइन लेके जाते हैं रिलीज के ऊपर तो 90 डिग्री हो जाता है। इनका 82 आ रहा है, इनके बाहर से आ रहा है और नीचे से पाँव बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, तो वहाँ पे इशू रहता है और रहेगा इनको, अनलेस कि नेट पे रोज़ाना 1 घंटा बॉलिंग करेंगे तो उसमें डेवलप हो जाएंगे। इस एज में ये डॉक्टर अब आए ना डॉक्टर, ये बताएंगे सही, इस एज में 18, 19, 20, 21, 22 तक आपकी बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, जिसमें मोहम्मद शमी की मिसाल मैंने आपको दी थी, वकार यूनुस की मिसाल दी थी कि उनको इंजरीज हुई, और बहुत सारे बॉलर जो यंग एज में इशू आते हैं, तो हसनैन का भी यही अभी ग्रोथ इनकी हो रही है। हाँ जी, और प्लस इनके वो जो कार्टिलेज का फ्यूजन होता है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन वकार की जो इंजरी थी उसकी भी वजह यही थी कि वो एक्सेस पेंडिकुलर नहीं बनता था, हालांकि एक्शन वन ऑफ द बेस्ट था, और उसकी वजह से उनका लोअर बैक पे स्ट्रेस जाता था, फ्लावर फ्रैक्चर हो गया जी जी वर्ल्ड कप से पहले। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, शमी रिलेटिवली शायद आप मानेंगे नहीं वो बेहतर थे, नहीं शमी का प्रॉब्लम बैक का नहीं हुआ ना, शोल्डर उनकी शिन का प्रॉब्लम आया था, शायद जोर से लाके मारते थे, अदरवाइज वो ठीक था उनका। जी जी जी। नाउ कमिंग ऑन टू हसनैन, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन इनको लेंथ आगे लानी पड़ेगी। हारिस रऊफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे कुटिएगा ना, मुझे बेहतर लगा कि वो आगे से भी गेन कर रहा था और थोड़ा एटीट्यूड भी ज़्यादा एग्रेसिव था, तो हारिस रऊफ कुड बी ए पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। हारिस की बॉल में मूवमेंट नहीं है जो मैंने देखा है, क्योंकि इनकी जैसे हम बोलते हैं ना कोचिंग, इतनी जरूरत कोचिंग की ज़रूरत होती है, इनकी जो वन डायमेंशन है बॉल अंदर ही आती है ज़्यादातर, शायद ग्रास वाली पिच पे पढ़ के बाहर निकले वो डेंजरस होगा, लेकिन मुझे इतने अफेक्टिव अभी नहीं लगे। अच्छा, हो सकता है कि इनकी लेंथ जो है थोड़ी सी पीछे, यॉर्कर ठीक है लेकिन लेंथ थोड़ी सी पीछे है इनकी भी, और मूवमेंट नहीं है, तो फिर आप सीधा मूसा खान को सिलेक्ट कर लें। मूसा खान इन दोनों में बेहतर है ना, और फोर्डे के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा बॉलर है वो, उसको देखना पड़ेगा, वो भी अनफिट हो के आया है, अब शुरू के मैचेस नहीं खेले थे वो भी अनफिट थे। मोहम्मद इलियास देखें बहुत यंग है, इन लोगों से अंदाज़ा लगा ये लोग हैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट में, मूसा की बात कर लें या हसनैन तो काफ़ी अंडर 16 से पीसीबी के साथ है ना, तो ये डिपार्टमेंट के क्रिकेट में भी रहे, ये हर वक्त खेल रहे हैं। इलियास अभी नया है, खेला मैच अगेंस्ट सुई गैस खेला तो वहाँ पे आउट किए थे, 8-9 आउट किए थे उन्होंने, अच्छे बॉलर ज़रूर हैं लेकिन इनको टाइम लगेगा अभी। ठीक हो गया, फिर मेरे एक फेवरेट हैं यार, स्लो लेफ्ट आर्म, नहीं उसको छोड़ दें, अभी एक और बॉलर है कि गुल जो था ये दलमी से जो खेल रहा था, समीन गुल उनको बहुत मार लगी आखिरी 2 मैचेस में, लेकिन वो बॉलर ऐसा है कि उसकी पेस 140, 144 तक गए थे वो, लेकिन वो डोमेस्टिक जो 2 साल खेले हुए
वो एक अच्छे बॉलर नज़र आए हैं, जहाँ पे मूवमेंट नज़र आई थी अगेंस्ट लाहौर थी या किसके, उन्होंने सारे स्लिप में वो कॉट बैन आउट कराए थे। तो समीम गुल तो वैसे भी एक ब्रांड है, मतलब कि वो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अच्छा खेलता है। और उमर खान देखें इन सब में स्ट्रेट खेल शार मतलब कि क्रिकेट नॉलेज, क्रिकेट इंटेलिजेंस जो होती है ना उसके अंदर है, वो रीड कर लेता है, सिचुएशन को रीड करता है, बैट्समैन को रीड कर लेता है, कॉन्फिडेंस बहुत है और कॉन्फिडेंस बहुत है और कंप्लेंट नहीं है। अभी देखें उसके फेस पे देखें ना, कोई नहीं है, वो जिस जब लेके आएंगे उसको बॉलिंग करनी है, वो अपनी क्रिकेट के मोमेंट जो हो रहे हैं उसको एंजॉय कर रहा है। एक्शन भी बहुत ठीक है, वो आम बहुत अच्छा है उसका, जिस तरह से ब्रेक करना शुरू की थी उन्होंने तो अच्छे अच्छे बैट्समैन को हेल्स को फंसा के रख दिया था, तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का उमर खान। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा एक यार मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो कि इस बार आपने पीएसएल में सेलेक्ट भी नहीं किया और उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, सैफ बदर, अब वो बेचारा इंग्लैंड जा रहा है। नहीं अभी तो सिल्वर के कैटेगरी में आ गया था, इमर्जिंग से निकल गए थे वो, वो अब डेवलप होना शुरू हुए हैं। देखिए अंडर 19 लेवल पे बहुत अच्छा खेले वो और परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में आए लाहौर कलंदर के साथ थे एक साल सुल्तान के साथ थे, तो उनको मौके मिले लेकिन वो परफॉर्म कर नहीं पाए, लेकिन केआरएल से खेले तो आखिरी मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो लगे रहे। मैं तो यही मशवरा दूंगा वो लगे मेहनत करते रहे, और कोई भी इस तरह से झटका लगता है पीएसएल का, आप सबके सामने एक अच्छी इनिंग खेल दें आप पाकिस्तान टीम में चले जाएंगे। नहीं दो गेंदे 150 पे कर दें पाकिस्तान टीम में चले, नहीं उसमें भी हर कोई नहीं है, हर कोई नहीं चला जाएगा। इसने भी हारिस रऊफ ने भी की थी 149 पे तो गया था ना, लेकिन हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है ना आपको बॉलर की, अगर एनसीए में आपने शादाब खान की हिस्ट्री देखी हुई अंडर 19 में 100 किया था, नहीं सर अंडर 16 से जो खेल रहा है ना तो 5 साल तो हो गए उसको इस क्रिकेट के अंदर, ठीक हो। तो एक लड़का अगर पीएसएल की एक रात में परफॉर्म करके आ रहा है, उसके 5 साल तो मत उसके ज़ाया करो, वो जो गलियों से निकल के बसों पे चढ़ के खेलने जाते हैं पूरे 4 साल होते हैं ये, उसके बाद वो नज़र जो आ रहा है एक दिन में नज़र प्लेयर थोड़ी बन गया, वो गलियों में खेल के, रीजन में खेल के और डिस्ट्रिक्ट खेल के यहाँ से डेवलप होके जाते हैं सारे प्लेयर। तो पीसीबी के जो प्रोडक्ट स्कीम जो है अंडर 16 से अंडर 19 उसका हिस्सा रहे हैं जितने प्लेयर आ रहे हैं, ठीक हो गया, इसका मतलब है कि वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसका मतलब हरुण भाई ठीक काम कर। देखिए क्रेडिट हमें देना चाहिए फ्रेंचाइज को, लेकिन उन कोचेज को नहीं भूलना चाहिए, अगर राहुल पिंडी में है, सभी अजहर है या बिलाल है, इनका काम था, कराची से अगर कोई आ रहा है तो मसरूर का काम है, अगर कहीं और से आ रहा है शाहिद अनवर का काम है, केबी कैसे आ रहा था अपने साजिद शाह का काम है, तो ये वो लोग हैं जो कि पीसीबी के कोचेज हैं, लेकिन इनको हर कोई माइनस कर देता है और फिर वो फ्रेंचाइज का नाम आ जाता है। नहीं अब फ्रेंचाइज का नाम क्यों नहीं आएगा, नदीम उमर भाई ने $500,000 प्राइज मनी $1 million कर दिया। नदीम भाई की मर्जी, वो जो मर्जी कर सकते हैं, अपने ओनर हैं अपने उसके टीम के, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन नदीम भाई ने पाकिस्तान की टीम भी जीत के आती है, उनको भी प्राइस देते हैं, ऐसा नहीं है, प्लस बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत कंट्रीब्यूशन है लोअर लेवल से, उनके पास लोग अच्छे हैं, मैं स्पेशली आजम की बात करता हूँ या नबील हाशमी, ये वो लोग हैं सिंसियर लोग हैं इनके साथ। 5 वनडे इंटरनेशनल आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग लग रही है मुझे तो बाबू, मुझे लग रहा है पीटीवी से बाहर हो जाएंगे। क्यों पीटीवी एक अच्छा एनालिस्ट लेके आ रहा है अनकरीब, कौन आ रहा है, आप आ रहे हैं अच्छा अच्छा तो ना बोले ना यार, मेरा ये ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं बोलना, बहुत अच्छा, अच्छा खुद ही बोल रहे हैं। 5 नहीं आप यार जरा इतना बड़ा मुंह है, थोड़ा साइड पे करो, कॉट बैंड आपके ऊपर ही लिखवा देता हूं, कार्ड बैंड। अच्छा मुझे ये बताएं कि 5 वनडे इंटरनेशनल्स ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया के साथ किया इन इंडिया 3-2, अब ये नहीं पता किधर जाएगा, अच्छा 3-2 ये नहीं पता किधर, मतलब आप ऑड्स दे दिए, हम ही देते हैं आप ही मार्केट तो हम ही शुरू करते हैं, खोलेंगे ओपनिंग मार्केट हम खोलेंगे, रेट दे दिया, ये नहीं पता कि 3 किसका 2 किसका, यस अच्छा तो इसका मतलब है कि शुएब मलिक अगर 3-2 जीत गए तो फिर सैफी कहाँ होंगे, मोहटा पैलेस में, शुएब मलिक मैं ये बता रहा हूँ मोहटा पैलेस में तस्वीर, लोगों की जो गलत फहमियाँ उसको दूर कर दूँ, 5-0 भी अगर जीत जाते हैं इंशाल्लाह कप्तान सरफराज ही जाएगा, जाना भी चाहिए, तो क्यों आप ये देखो आप जैसे जो लोग हैं ना, अच्छा मेरे जैसे लोग ये ऐसी शकूक वाली बातें करते हैं, जो आप कैमरे से पहले बातें कर रहे हो, मैं कभी भी ऐसी उल्टी बात नहीं कर सकता, मैं जो सामने हूँ आज तक सीधी कौन सी, मैं जो पीछे कैमरे के करता हूँ वही सामने करता हूँ। नहीं आप बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मैं पूछूं फिर क्या हुआ था 1994-95 में, वो तो आवाज किसकी एडिट हुई थी, नहीं नहीं वो उसमें करेंगे, आप यूट्यूब पे जाए सब मौजूद है। अब आपने कौन सा प्रोग्राम किया था, थका हुआ जो होता था आपका एक प्रोग्राम,
क्या बात है, मेरा थका हुआ प्रोग्राम था। कौन सा था? ब्लैक एंड व्हाइट? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, वन ऑन वन पर जाके देख लीजिएगा, वो उसमें सारी बातें की हुई है, दोबारा क्या रिपीट करनी। नहीं, वो एक नाम भी लिया आपने, शायद वो लेना भी नहीं, खुदा नहीं नहीं ले लेते हैं। ये तो अपना चैनल है, धज्जियाँ उड़ जाएंगी इंडिया से कराची और बॉम्बे तक लेके दुबई तक, दुबई से साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक में हालत ख़राब है, बहुत तूफानी बारिश हुई है वहाँ पे। मतलब आप मोजम्बिक कहाँ से आ गया क्रिकेट? मोजम्बिक वो सिस्टम है ना, एक जो घोड़े की रेस होती है मोजम्बिक वगैरह भी, कुंडी का काम सारा। अच्छा, आप उससे सर जनरल नॉलेज इधर ही है ना सारी, ऐसा नहीं है गेम सारा अफ्रीका में सारा काम है, केनिया हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान से भगाया जाता है तो अफ्रीका के इन कंट्रीज में जाके छुप के काम किया जाता है, और ये वर्ल्ड कप जो आने वाला है ये मोजम्बिक से ही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेव रिचर्डसन आए पाकिस्तान, यस, और कन्विंस हो गए। बातें नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। अब एक्शन नहीं होएगा, नहीं अब करें ना, बातों का टाइम गया, अब कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करें ना अब तो। नहीं, बातें करके स्टेटमेंट देखे कि पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान में अब मैच हो सकते हैं, बातों का टाइम चला गया, अब मैच कराओ। नहीं तो मैच किसने करवाने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कराने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात आपको कैसे लग रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये सिर्फ ये जो बिठाए हुए ना इनका काम नहीं है, ये नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे यहाँ से कराची से लाहौर जाने में मुसीबत हो जाती है, ये नहीं करा सकते। गवर्नमेंट लेवल पे इमरान भाई को कदम उठाना पड़ेगा, जिस तरह से एक्टिव है आजकल, तो कंट्री टू कंट्री जो पीएम टू पीएम बात होगी ना उसमें जान होगी। और पहले भी हम बात कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारी, इसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। क्रिकेट मेन आपकी चीज़ है, जिस तरह से आपने देखा पीएसएल में हर कोई हाई डिग्निटीज वहाँ मौजूद थी, तो क्यों ना हम इसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राशिद जाते जाते मुझे ये बताएं कि इमरान भाई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इमरान भाई का क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, छोटा मोटा थोड़ी है। मेरे ख्याल में शायद इस वक्त क्योंकि उनको और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हुकूमत करने के, अगर वो इस तरफ ज़रा सी भी उन्होंने फोकस कर दिया तो दो एक टीमें तो पाकिस्तान आ जाएंगी, सिर्फ उन्हीं की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल आ जाएंगी। अभी ये इनको मौका दे रहे हैं जो मानी साहब हैं या दूसरे लोग आए हुए हैं, जब इनसे नहीं हो पाएगा तो उनको आना पड़ेगा, और आएंगे। वो जिस तरह के हैं वो फिर आएंगे और डेफिनेटली पाकिस्तान का फ़ायदा होगा उसमें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज आपने बड़ी सीधी सीधी अच्छी अच्छी बातें की। नहीं, रिपीट कर लिया ना, कल तो किया था यही प्रोग्राम, यही किया था, मुझे क्या पता। कॉट बैंड Bank.